अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बीटीवी इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से बाखबर रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना दराज का एक एक्सपीरियंस। कुछ दिन पहले मैंने दराज पर ट्राइपॉड स्टैंड का ऑर्डर किया था जो मुझे आज रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके सामने अनबॉक्स किया जाए और देखा जाए कि ये कैसा है। ज़्यादातर लोग जो है वो कहते हैं कि उनका दराज के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ये है जी ट्राइपॉड स्टैंड जो मैंने दराज से ऑर्डर किया है 3110। पैकिंग इसकी अच्छी हुई हुई है, इसको खोलते हैं अंदर से देखते हैं कैसा है। ये बहुत अच्छी पैकिंग के साथ आया है। क्वालिटी के लिहाज से ये ठीक है, जितनी प्राइस में ये आया है उस लिहाज से काफ़ी बेहतर है। देखिए ये आपका कैमरा एंगल सेट करने के लिए है, ये होल्डर है, मोबाइल होल्डर जिसके ऊपर आपने मोबाइल को फिक्स करके अपनी वीडियोस बनानी है, ये इसको आप यहाँ लगा लें। ये इसके नीचे नट लगा हुआ है जिसको आप अच्छे से बंद कर दें ताकि आपका मोबाइल जो है वो ना गिरे। ये देखिए ये आपका मोबाइल यहाँ पर आएगा। और अगर आपने अपना एंगल्स सेट करना है, मतलब आपने किस एंगल में बनाना है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं। ये आप देखें, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसके तीन लेवल्स हैं, ये टेबल पे रख के बनाने के लिए आपका है। इसके देखिए आपके क्लिप्स लगे हुए हैं, इन क्लिप्स को अनलॉक करें और आपने इसको जितना बड़ा करना है आप इसको इजीली बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए आपने अगर इस लेवल पर रखना है तो आप इसको यहाँ पर लॉक कर दें। आप इन सब क्लिप्स को साथ साथ बंद करें ताकि आपका स्टैंड जो है वो गिरे ना। ये आपका यहाँ तक आ गया। अगर आपने इसको थोड़ा और ऊंचा करना है तो आप इसके नीचे के क्लिप्स खोलकर इसको थोड़ा और ऊपर कर लें। यहाँ पर आप इसको फिर लॉक कर दें। ये देखिए आप बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। जितने भी आप यूट्यूबर्स हैं जो जिनके पास ये स्टैंड नहीं है और जो इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से इसको सीख सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इस पर अपनी वीडियोस बना सकते हैं। जितनी प्राइस में ये आया है उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अब मैं आपको बता दूँ कि आपने स्टैंड पर अपना कैमरा कैसे फिक्स करना है। ये देखिए आपका मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, यहाँ पर मोबाइल होल्डर के ऊपर ये एक स्प्रिंग है, इसको आप थोड़ा स्ट्रेच करके ऊपर कर लें, अपने मोबाइल को यहाँ रखें और यहाँ पर आप इसको बिल्कुल फिक्स कर दें। ये अब आपका मोबाइल फिक्स हो गया, आप बहुत आसानी से आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं। आप जिस एंगल का शॉट लेना हो अपने कैमरे को उस साइड में मूव कर लें। आप बहुत इजीली इसको एंगल से मूव कर सकते हैं जिस एंगल में भी आपने बनाना है। ये ट्राइपॉड स्टैंड बहुत इजीली यूज होता है, ये बहुत अच्छी चीज है। जितने भी लोग जो भी अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो वो ये इसको यूज नहीं, ये बहुत अच्छा है। दराज से मैंने लिया है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइस के लिहाज से ये बहुत अच्छा है।